ऑफ डिमांड, मांग की लोच। अब देखिए मांग की लोच जो होती है वो एक तरह से क्या बताती हैं, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मांग का नियम, ठीक है, मांग का नियम क्या बताता है, तो किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, ठीक है। मांग का नियम क्या बताता है, तो कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाती है, और कीमत घटती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब कीमत और मांग में वो विपरीत संबंध को बताता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता है कि कीमत के घटने से मांग कितनी बढ़ेगी, ठीक है, या कीमत में कितनी कमी होगी और मांग में कितनी कमी होगी, ठीक है। तो इसका जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया जाता है, मांग की लोच के द्वारा, ठीक है। तो मांग की लोच क्या मापती है, तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका माप किया जाता है किसके द्वारा, मांग की लोच के द्वारा, ठीक है। जैसे देखिए प्रोफेसर बोल्डिंग क्या बताते हैं, तो किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहा जाता है, ठीक है। और मांग की लोच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, मांग में प्रतिशत परिवर्तन या मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है, मांग की लोच कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपनों को एक थोड़ी ध्यान रखना है कि जब मांग की लोच पूछी जाती है तो मांग की लोच का आशय किससे हो सकता है, मांग की कीमत लोच से भी हो सकता है, मांग की आय लोच से भी हो सकता है, और मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच से भी हो सकता है, ठीक है। केवल मांग की लोच जब अपन पढ़ते हैं तो मांग की लोच का मतलब किससे होता है, कीमत लोच से हो सकता है, आय लोच से, और आड़ी या तिरछी लोच से, ठीक है। तो तीन तरीकों से हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, ठीक है। अब देखिए जब कीमत लोच होती है तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है मांग की कीमत लोच के द्वारा, ठीक है। कीमत लोच क्या मापती है, कि मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ अपॉन वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मांग की आय लोच अपने को पता करनी हो तो आय लोच क्या मापती है, कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो आय लोच बराबर क्या हो जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन। और तीसरा होता है मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच, ठीक है। अब आड़ी लोच या तिरछी लोच जो होती है उसका संबंध किससे होता है, संबंधित वस्तुओं से। संबंधित वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं, स्थानापन और पूरक, ठीक है। तो जब अपन देखते हैं किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है किसके आधार पर, आड़ी लोच या तिरछी लोच के आधार पर, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे अपन देखते हैं कि किसी एक वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन किसके द्वारा, वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने वाई वस्तु की कीमत ली है और एक्स वस्तु की मांग ली है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, आड़ी लोच या तिरछी लोच, ठीक है। तो मुख्य रूप से जैसे ट्वेल्थ के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो ट्वेल्थ के कोर्स में केवल एक ही है, मांग की लोच या उसको मांग की कीमत लोच कहा जाता है, ठीक है। जब अपन बड़े लेवल पर आ जाते हैं, बीकॉम ये ग्रेजुएशन जब अपन करते हैं या अन्य कोई एग्जाम होता है, तो उसमें मांग की लोच में थोड़ा डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे मांग की लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, अगर दोनों का अपन कंपैरिजन करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो कीमत में कितना परिवर्तन होगा, मांग में कितना परिवर्तन होगा, वो क्या होता है, सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस आधार पर मांग की लोच की पांच श्रेणियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है, ई बराबर अनंत इन्फिनिटिव, ठीक है। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, कि जब किसी वस्तु की कीमत में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, कीमत क्या रहती है, स्थिर,
और कीमत के स्थिर रहने पर मांग में कितना भी परिवर्तन हो सकता है, वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाए या मांग कम हो जाए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, आगे समझ में कि जैसे इस चित्र में अगर अपन देखते हैं डायग्राम में वस्तु की कीमत कितनी है ओ से लेकर पी है और मांग कितनी है ओ से लेकर क्यू। अब इसी कीमत पर जब कीमत कितनी है ओ से लेकर पी है लेकिन मांग कितनी हो गई क्यू से क्यू वन हो गई है। ठीक है, तो पूर्णतः लोचदार में क्या होता है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और मांग घटती है या बढ़ती है, जिसको कहा जाता है पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर मांग में अत्यधिक कमी या वृद्धि होना क्या कहलाता है, पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, ये हो गया अपना पहला। दूसरा अपना है अत्यधिक लोचदार मांग। ठीक है, जैसे पहले अपन ने पढ़ा था पूर्ण रूप से लोचदार, पूर्णतया लोचदार मतलब कीमत में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है और मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती थी मांग। सेकंड अपना है अत्यधिक लोचदार मांग, इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा अगर परिवर्तन होता है लेकिन उसकी तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है, ज़्यादा अनुपात में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, अत्यधिक लोचदार मांग। ठीक है, या इसको और कह सकते हैं इकाई से अधिक। ठीक है, इकाई से अधिक को क्या कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार मांग, ई इज़ ग्रेटर देन वन। ठीक है, यहाँ पर ई पी ले सकते हैं या यहाँ पे ई डी ले सकते हैं। तो मांग की लोच इकाई से अधिक कब कही जाती है, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो। मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है, अत्यधिक लोचदार मांग। मांग में कम परिवर्तन होगा तो कम लोचदार कहलाएगी। ठीक है, तो सेकंड वन पढ़ रहे हैं अभी, अत्यधिक लोचदार मांग, जिसको क्या कह सकते हैं, इकाई से अधिक, मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो कब कही जाती है अधिक, जब कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 5% का, और उस वस्तु की जो मांग है उसमें कितना परिवर्तन हो गया है, 10% का। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ये जो संबंध अपन ने पहले पढ़ा था वो विपरीत संबंध यहाँ पर भी रहेगा, तो किसी वस्तु की कीमत 5% बढ़ गई अगर तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, 10% कम हो जाती है। ठीक है, विपरीत संबंध ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन जो तुलना कर रहे हो किसकी कर रहे हैं, प्रतिशत की, इसमें 5% का परिवर्तन हुआ और इसमें हो गया है 10% का, तो इसको क्या कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार मांग। आगे चरण में कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे डायग्राम अगर अपन देखते हैं कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, पी से लेकर पी तक का इतना सा, और मांग में कितना परिवर्तन हुआ, क्यू से लेकर क्यू वन तक का, ज़्यादा परिवर्तन किस में दिख रहा है, इसमें मांग में। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार मांग। ठीक है, और जब इसका डायग्राम बनाना है तो ध्यान रखना है अपने को कि मांग वक्र इधर से जब बनाएंगे अपन, ठीक है, तो उसको इधर मत बना देना, उसको कहाँ ले जाना है, इधर की तरफ। ठीक है, ढाल उसका कम रखना है, कहने का मतलब अगर स्लोप कम रखोगे तो कौन सा बनेगा, अत्यधिक लोचदार का। ठीक है, जैसे मैंने बनाया ये इधर की तरफ लेके आऊँ मैं, नीचे गिरता हुआ, ये कीमत है ये मांग है, कीमत घट गई है तो मांग बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इधर अपन क्या लेते हैं, वस्तु की मांग, तो यहाँ पर जो मांग में जो परिवर्तन है वो ज़्यादा, देखो इतना परिवर्तन हुआ है, और कीमत में जो परिवर्तन हुआ है कितना, इतना सही है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार मांग। ठीक है, नेक्स्ट अपना है लोचदार श्रेणी। ठीक है, जिसको कह सकते हैं इकाई लोचदार मांग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितना परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है उतना ही परिवर्तन, उसी अनुपात में परिवर्तन मांग में होता है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, यदि मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है इकाई लोचदार मांग। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हो गया कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें 10% का अगर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग में भी कितना परिवर्तन होता है, 10% का। ठीक है, वस्तु की कीमत अगर 10% बढ़ गई हैं तो वस्तु की मांग कितनी कम हो गई है, 10% कम हो गई है। ठीक है, तो जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाएगा इकाई लोचदार। ठीक है, और जब अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये सीधी रेखा रखना है बीच में, ठीक है, ताकि इधर कीमत में जितना अंतर आ रहा है ये वाला, उतना ही अंतर अपने को यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना इकाई लोचदार मांग।
फोर्थ अपना है अत्यधिक बेलोज दर मांग, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं इकाई से कम। तो इसकी परिभाषा होती है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन होना, ठीक है। जैसे किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें 5% का परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होना चाहिए, इससे कम, ठीक है। माना कि 3% ही परिवर्तन हो रहा है, जब कीमत की तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है अत्यधिक बेलोजदार मांग, ठीक है। और संबंध, विपरीत संबंध यहाँ पे भी ध्यान रखना है, तो कीमत में अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो मांग अगर 3% घट जाती है तो उसको कहा जाएगा अत्यधिक बेलोजदार मांग, ठीक है। चलिए लास्ट अपनी श्रेणी है पांचवी, वो है पूर्णतया बेलोजदार, ठीक है, या शून्य लोच, शून्य बेलोच, ठीक है। मांग की लोच क्या है, शून्य के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वस्तु की कीमत क्या हो जाए अगर बढ़े या वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, ठीक है, कीमत बढ़े या कीमत कम हो जाए, वस्तु की जो मांग है वो क्या है, स्थिर। जब वस्तु की मांग स्थिर होती है तो उसको कहा जाता है पूर्णतया बेलोजदार मांग, ठीक है। जैसे इस डायग्राम अगर अपन देखते हैं वस्तु की कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी तक है, ठीक है, और मांग कितनी है, ओ से लेकर क्यू तक है। कीमत बढ़कर P1 हो गई तब भी मांग कितनी है, क्यू ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो कीमत बढ़ भी जाती है तो भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं इसको, ई बराबर शून्य, मतलब मांग में कितना परिवर्तन हुआ, शून्य हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ी है मांग की लोच की श्रेणियाँ, ठीक है, पांच श्रेणियाँ थी। इसको अगर अपन चाहें पांचों श्रेणियों को एक ही डायग्राम बताना चाहें तो भी बता सकते हैं, ठीक है। ये जैसे अपन मांग वक्र बना दो, उसका ध्यान रखना है कि मांग वक्र अगर अपन सीधी रेखा अगर एक्स अक्ष से समानांतर बना दिया तो कौन सा बन जाएगा, ई बराबर इन्फिनिटी, अनंत, पूर्णतया लोचदार मांग। और जब वाई अक्ष के समानांतर बना दोगे इसका तो कौन सा बन जाता है, ई बराबर जीरो, मतलब पूर्णतया बेलोजदार मांग। जब मांग वक्र को अपन बीच में रखते हैं ऐसे तो कौन सा बन जाएगा, इकाई लोजदार मांग। और इन दोनों के बीच में इक्वल टू वन और इन्फिनिटी के अगर बीच में बनाओगे तो कौन सा बन जाएगा, इकाई से अधिक। और जब इक्वल टू वन और इक्वल टू जीरो के बीच में बनाओगे मांग वक्र तो कौन सा बन जाएगा, लेस देन वन, ठीक है, इकाई से कम। तो ये मांग की लोच मापने की पांचों श्रेणियों को एक ही डायग्राम में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि मांग की लोच का माप कैसे किया जाता है, मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां होती है, ठीक है। तो मांग की लोच मापने की सबसे पहली विधि अपन पढ़ेंगे प्रतिशत विधि या आनुपातिक विधि, ठीक है, परसेंटेज मेथड। तो ये किसने दी थी, प्रोफेसर फ्लक्स ने, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत विधि, जैसे कि अपन श्रेणियां पढ़ रहे थे उसमें अपन प्रतिशत देख रहे थे, वही आ गया है सेम यहाँ पर, ठीक है, कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, मांग की लोच, वही प्रतिशत विधि है, ठीक है। तो प्रतिशत विधि में फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, मांग की लोच, ठीक है। और उसको ज्ञात करना अगर तो देखो मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मांग में परिवर्तन अपॉन मांग इंटू सो। इसी तरीके से कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू सो, इससे क्या आ जाएगा अपने पास में, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा अपने पास में, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, और फिर डेल्टा पी को अगर अपन ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू है और अपॉन में क्या था, डेल्टा ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है मांग की लोच मापने का वो क्या बन गया है, ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, मांग में परिवर्तन, डेल्टा पी का मतलब कीमत में परिवर्तन, पी का मतलब परिवर्तन से पहले वाली कीमत कितनी है, और क्यू का मतलब परिवर्तन से पहले वाली मात्रा कितनी है, ठीक है। अब देखिए अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं न्यूमेरिकल,
का जैसे अपने पास में है, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उसकी 100 इकाइयाँ क्रय की जाती हैं, कीमत कम होकर 4 रुपये होने पर उसकी मांग 125 हो जाती हैं, तो मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन था उसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया कि कीमत 5 रुपये है तो मांग है 100 इकाइयाँ, कीमत 4 रुपये हो गई तो मांग हो गई 125। तो यहाँ पर देखिए कि परिवर्तन कितना हो रहा है। ठीक है, तो मांग में कितना परिवर्तन है 25 का, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ 1 का, पहले वाली कीमत कितनी है 5 है और पहले वाली मात्रा कितनी है 100 है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को अपन ने इस फॉर्मूले में लिख दिया, तो इसको सोल्व करने पर अपने पास में आया है 1.25। ठीक है, अब देखिए अपन ने जो मांग की लोच की श्रेणियाँ पढ़ी थी तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अपनी जो मांग की लोच है वो कितनी आई है 1.25, मतलब 1 से ज़्यादा आई है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मांग की लोच इकाई से अधिक है। ठीक है, मांग की लोच कैसी है, इकाई से अधिक, या इकाई से अधिक को और क्या कह सकते हैं अपन, अत्यधिक लोचदार कह सकते हैं। ठीक है, मांग की लोच अत्यधिक लोचदार। ठीक है, अत्यधिक लोचदार में क्या होता है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। ठीक है, तो ये अपनी थी प्रतिशत विधि। दूसरी विधि है मांग की लोच को मापने की, बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। ठीक है, या इसको रेखा गणितीय विधि भी कह सकते हैं। तो जब मांग की लोच मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर मापनी हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिंदु विधि का। ठीक है, बिंदु विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब मांग की लोच किसी एक बिंदु पर मापनी हो। ठीक है, मांग वक्र के इसमें फॉर्मूला क्या होता है, मांग की लोच बराबर मांग वक्र का निम्न भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपरी भाग। ठीक है, मतलब जिस भी बिंदु पर लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु पर या उस बिंदु से निम्न भाग कितना है और उस बिंदु से ऊपरी भाग कितना है। ठीक है, मांग वक्र के निम्न भाग में मांग वक्र के ऊपरी भाग का भाग दे दिया जाता है तो अपने पास में मांग की लोच आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन सबसे पहले इस पॉइंट ए पर ज्ञात करते हैं। तो इस ए पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं निम्न भाग कितना है, इस ए से लेकर ई तक है। ठीक है, और ए से लेकर ई तक है, इसमें अपन किसका भाग देते हैं, इसका ऊपरी भाग कितना है 0 है, तो 0 का भाग देंगे तो हमेशा कितना आएगा अनंत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मांग की लोच कैसी होगी, अनंत लोचदार, पूर्णतया लोचदार होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इस बी पॉइंट पर अगर अपन को ज्ञात करनी है, तो बी पॉइंट पर अगर अपन देखते हैं तो निम्न भाग कितना है बी से लेकर ई तक है और ऊपरी भाग कितना है ए से लेकर बी तक है, तो बी ई अपॉन ए बी करेंगे और बी ई अपॉन ए बी करने पर कितना आएगा 1 से अधिक आएगा। ठीक है, इसलिए मांग की लोच क्या होगी, इकाई से अधिक होगी बी बिंदु पर। ठीक है, बी बिंदु पर मांग की लोच कैसी होगी, इकाई से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक क्यों आएगा, क्योंकि निम्न भाग अपन देखते हैं बी से लेकर ये क्या है बड़ा है और ए से लेकर बी क्या है छोटा भाग है। ठीक है, तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने पर कितना आएगा 1 से अधिक आएगा। ठीक है, जैसे माना कि 10 में अपन ने 10 से किसी भी छोटी संख्या का भाग दे दो। ठीक है, ये बड़ा भाग है, इसमें छोटे भाग का अपन डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा कितना आएगा 1 से अधिक। ठीक है, तो बी बिंदु पर मांग की लोच कैसी होगी, 1 से अधिक। अब हम ज्ञात करते हैं बिंदु सी पर मांग की लोच क्या होगी, तो सी बिंदु पर अगर अपन देखते हैं निम्न भाग कितना है सी से लेकर ई तक है। ठीक है, सी से लेकर ई तक है और ऊपरी भाग कितना है ए से लेकर सी तक है, तो ये दोनों भाग क्या है समान है। ठीक है, जब हम एक जैसी संख्याओं में सेम संख्या का अगर भाग देते हैं, ठीक है, जैसे 5 में 5 का भाग दिया डिवाइड किया, ठीक है, 10 में 10 का डिवाइड किया तो हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसलिए मांग की लोच कैसी होगी, यहाँ पे इकाई के बराबर। नेक्स्ट है डी बिंदु पर। ठीक है, यदि मांग की लोच अपने को डी बिंदु पर ज्ञात करनी है तो डी बिंदु से निम्न भाग कितना है डी से लेकर ई तक है और ऊपरी भाग कितना है ए से लेकर डी तक है, तो डी ई एक तरह से क्या है छोटा है और ए से लेकर डी वाला भाग क्या है बड़ा है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का अगर भाग देते तो हमेशा कितना आता है 1 से कम। ठीक है, 10 में जैसे किसी भी बड़ी संख्या जैसे 15 का भाग दे दिया तो कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा जैसे, इसका मतलब क्या हो गया कि मांग की लोच कैसी होगी, यहाँ पे इकाई से कम।
और अंतिम ई बिंदु पर अगर ज्ञात करनी है तो ई बिंदु पर मांग की लोच कैसी होगी, ई बराबर जीरो, शून्य के बराबर होगी। ठीक है, कैसे होगी, इस ई बिंदु से निम्न भाग कितना है, जीरो शून्य है, और ऊपरी भाग कितना है, ए से लेकर ई। तो शून्य में किसी की संख्या, किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा कितना आएगा, शून्य आता है। ठीक है, इसलिए मांग की लोच कैसी होगी, पूर्णतया बेलोजदार। ठीक है, तो ये है अपनी बिंदु विधि। अब है मांग की लोच को मापने की तीसरी कुल व्यय विधि, ठीक है, जो दी थी प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मार्शल की कुल व्यय विधि। ठीक है, इसमें मांग की लोच मापने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया जाने वाला कुल व्यय देखा जाता है। ठीक है, कीमत में परिवर्तन से कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अपन पहला देखते हैं कि अत्यधिक लोचदार मांग कब होगी। ठीक है, मतलब मांग की लोच इकाई से अधिक कब कही जाती है। ठीक है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक कब होती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है, और कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब वस्तु की कीमत और वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, जब वस्तु की कीमत और उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में विपरीत संबंध होता है तो मांग की लोच कैसी होती है, अत्यधिक लोचदार मांग होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस सारणी में किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये है, उसमें उसकी मांग कितनी है, 20 इकाइयाँ, तो व्यय कितना हो गया, 5 × 20 किया 100 आ गया है। सो कीमत घट के 4 हो गई हैं, तो मांग बढ़कर हो गई है 20 से 30, 20 से ज़्यादा कुछ भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि कुल व्यय 100 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, अपन ने यहाँ पे कितना लिख दिया, 30, तो 30 × 4 किया तो कितना आ गया, 120 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कीमत 5 से 4 हो गई, घट गई है, तो कुल व्यय 100 से 120 हो गया है, कुल व्यय क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए मांग की लोच कैसी है, अत्यधिक लोचदार हैं। ठीक है, डायग्राम में अपन देख सकते हैं विपरीत संबंध, इसलिए डायग्राम कैसा बनता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का, जब इतनी कीमत उसमें इतना व्यय है, कीमत घट गई है तो व्यय बढ़ गया है। ठीक है, तो कीमत घटने से व्यय बढ़ता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार मांग। चलिए नेक्स्ट अपनी है इकाई लोचदार मांग। ठीक है, मांग की लोच इकाई लोचदार कब होती है, जब किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने या वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे वस्तु की कीमत 5 रुपये थी, उसमें मांग कितनी है, 20 इकाइयाँ, और कुल व्यय कितना हो गया, 5 × 20 = 100। जब कीमत घट के 4 हो गई है, तो मांग बढ़ के कितनी हो गई है, 25, लेकिन कुल व्यय कितना है, 100, ये पहले जितने ही है, कुल व्यय में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए मांग की लोच कैसे कहलाती है, इकाई लोचदार। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अपना जो मांग वक्र अपन बनाते हैं कुल व्यय के आधार पर, ठीक है, वो क्या होता है, इस वाई अक्ष के समानांतर बताता है। ठीक है, जो क्या बता रहा है कि व्यय जो है वो क्या है, स्थिर है, चाहे कीमत इतनी हो पी, चाहे कीमत बढ़ के P1 हो जाए, ठीक है, चाहे कीमत घट जाए, लेकिन कुल व्यय स्थिर होता है। ठीक है, तो इकाई लोचदार मांग क्या होती है, जब कीमत बढ़े या घटे वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर होता है। ठीक है, और तीसरी मांग की लोच जो इसमें है वो है इकाई से कम लोच। ठीक है, इकाई से कम लोच कब होती है, जब वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, कीमत अगर बढ़ती है वस्तु की, तो उस वस्तु के ऊपर होने वाला खर्चा व्यय भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कीमत के घटने से वस्तु के ऊपर किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है, तो इस स्थिति में जो अपना वक्र बनेगा वो भी धनात्मक ढाल का बनता है। ठीक है, जो क्या दर्शाता है, कीमत बढ़ती है तो व्यय भी बढ़ जाता है, और कीमत घटती है तो वस्तु के ऊपर किया जाने वाला व्यय भी घट जाता है। ठीक है, यहाँ अपन सारणी में देख सकते हैं कि जब वस्तु कीमत कितनी है, 5 रुपये, उसमें मांग कितनी है, 20 इकाइयाँ, तो कुल व्यय कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब कीमत घट गई, कीमत घट के कितनी हो गई, 5 से 4 हो गई है, तो कीमत घटने से मांग बढ़ गई है। ठीक है, कितनी हो गई, 20 से 22, अब 22 को 4 से गुणा किया तो कितना है, 80 आया। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो वस्तु की कीमत 5 से 4 हो गई है, ठीक है, घट गई है, तो वस्तु के ऊपर किया जाने वाला वह कुल व्यय क्या हो गया, 100 से 88 कम हो गया। इसका मतलब कीमत घटने से वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय अगर घट जाता है तो उसको कहा जाता है इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, यहाँ अपन देखें जैसे ये वस्तु की
कोई कीमत ले लेते हैं जैसे अपन, ठीक है, एक वस्तु की कीमत है माना कि 10 रुपये, और ये वस्तु की मांग है, और ये अपन देख लेते हैं वस्तु के ऊपर किया जाने वाला व्यय, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत जैसे है 10 रुपये और मांग कितनी है 20 इकाइयाँ, तो खर्चा कितना हो गया 200। अगर कीमत बढ़ के 20 हो गई है और मांग घटकर रह गई है जैसे 10 इकाइयाँ, तो खर्चा कितना है 200 है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कि कीमत अगर बढ़ रही है वस्तु की, ठीक है, तो भी कुल व्यय क्या है स्थिर है। तो ये कौन सी स्थिति को दर्शाता है, इकाई लोचदार मांग को, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखते हैं कि माना कि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, उसमें उसकी मांग है 20 इकाइयाँ, तो उस वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय कितना हो गया 200 हो गया। कीमत बढ़कर अगर 20 हो गई है और मांग घटकर कितनी हो गई, माना कि 15 ही रह गई है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं कीमत बढ़ने से वस्तु के ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, 20 × 15 करो तो कितना आएगा 300। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय भी क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ गया है, तो दोनों में कैसा संबंध है, धनात्मक है। और जब दोनों में धनात्मक संबंध होता है तो मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से कम होती है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ उदाहरण किए हैं। और मांग की लोच मापने की अंतिम विधि वो है चाप लोच विधि, ठीक है, आर्क मेथड है। अब देखिए आर्क मेथड या चाप लोच विधि का जो प्रयोग है वो कब करते हैं, जब मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य में मांग की लोच ज्ञात करनी हो, ठीक है। मांग वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लोच ज्ञात करने के लिए चाप लोच विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे ये अपना रेखा चित्र है, इसमें मांग वक्र है अपना डी डी, और उस पर दो बिंदु हैं ए और बी। अब इस ए और बी के बीच में मांग की लोच कितनी होगी, अगर ये ज्ञात करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, चाप लोच रीति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। जैसे अपन ने प्रतिशोध दिन में जो फॉर्मूला था वो क्या था अपना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्या था, पी अपॉन क्यू था। और चाप लोच विधि का अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों कीमत को अपन को जोड़ लेना है, ठीक है, P1 + P2, ठीक है, दोनों कीमतों को जोड़ लो और इधर अपॉन में दोनों मात्राओं को Q1 + Q2, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, मांग की लोच मापने में चाप लोच विधि का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अपन चाहे तो एक संख्यात्मक उदाहरण भी ले सकते हैं, ठीक है, कि माना कि जैसे किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये थी और मांग थी उसकी 100 इकाइयाँ, कीमत बढ़ के 10 हो गई हैं तो मांग घट के 50 हो गई हैं, तो यहाँ पर मांग की लोच कितनी होगी। तो यहाँ देखिए डेल्टा क्यू कितना है 50 है, अपॉन डेल्टा पी कितना है 5 है, इंटू P1 + P2, ठीक है। तो 5 + 10 करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, और अपॉन क्या है Q1 + Q2, ठीक है। तो 100 + 50 करोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, बस इसको अब सोल्व कर लो, ठीक है। तो 50 से जैसे इसको अपने कैंसिल कर दिया कितना है 3, और 3 से इसको कर दिया 5, अभी हो गया 5 / 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब मांग की लोच